ये है आवाज दी वॉइस। अब्दुल हई खान से सुनिए खबरें 7 बजे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछगछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी से ईडी हुकाम ने कई घंटे तक सवालात पूछे। पूछगछ खत्म होने के बाद राहुल अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने चले गए, जिन्हें गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी से 3 घंटे से ज़्यादा पूछगछ की गई। दूसरी जानिब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन जाकर कांग्रेस लीडरों से मुलाकात की। राहुल गांधी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए। ईडी के दफ्तर से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर गए थे। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नूपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरे के इल्ज़ाम में सम्मन जारी किया है। कोलकाता की नारकल डांगा पुलिस ने ज़ाब्ते फौजदारी 1973 की दफ़ा A41 के तहत सम्मन जारी किया है। नूपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछगछ के लिए बुलाया गया है। सिटी पुलिस जराये ने बताया कि सम्मन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया कि नूपुर के मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद ही मगरबी बंगाल में कई मकामात पर तशद्दुद शुरू हुआ। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी इसी मामले में नूपुर शर्मा को नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पाइधोनी पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा गया है। प्रयागराज में तशद्दुद के मुलजिम जावेद अहमद के घर को बुलडोजर से मिसमार करने की कार्रवाई का मामला गर्म हो गया है। वकला के एक ग्रुप ने इस हवाले से इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है। वकला की जानिब से कहा गया है कि मुलजिम जावेद इस घर का मालिक नहीं था जिसे गिराया गया था। मकान जावेद की बीवी के नाम पर है। घर मिसमार करना खिलाफ कानून है। मुलजिम की अहलिया को गैरकानूनी तामीरात के बारे में कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। बता दें कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद को जुमे को तशद्दुद केस में गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश के वजीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर हसन महमूद ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम की तोहीन का तनाज़ा हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और ढाका में हुकूमत को इस पर रद्दअमल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये एक बैरूनी मसला है, ये हिंदुस्तान का मसला है, बांग्लादेश का नहीं। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। महमूद ने हफ्ते की शाम ढाका में आने वाले हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के एक ग्रुप के साथ गैर रस्मी बातचीत में कहा। महमूद ने हुकाम को इस मामले में कार्रवाई करने पर मुबारकबाद पेश की है। कटक में खेले गए दूसरे T20 मैच में हिंदुस्तान ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 148 रन बनाए। श्रियास अय्यर ने सबसे ज़्यादा 40 रनों की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18.2 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेनरिक क्लासन ने शानदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 46 गेंदों पर 81 रन बनाए। भुवनेश्वर की शानदार बॉलिंग मैच में जनूबी अफ्रीका की शुरुआत इंतहाई ख़राब रही।